दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। जीत और हार आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। यदि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। यदि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। बस अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए किसी भी मंजिल को पाने के लिए। बस वही है कि आपको ठानना है, जीत आपको निश्चित रूप से मिलेगा। स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को किस तरीके से हम पहचाने थे। बिल्कुल आसान तरीके से, बस देखते ही देखते आप परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को अलग अलग आसानी से छांट सकते हैं। और ये जो क्लास आपका चल रहा है एसटीईटी स्पेशल और फिर क्लास 10 के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्लास है वो आपका इसमें आने वाला है, यानी 2021 का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास हम शुरू किए हैं। तो आइए, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बिना भाग दिए बस आप देखकर कैसे पहचानेंगे कि कौन शांत है और कौन अशांत है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करेंगे बिना देरी किए हुए। चलिए शुरुआत करते हैं शांत और अशांत। देखिए, शांत अशांत कोई डिफिनेशन नहीं आपको हम लिखाने वाले हैं। शांत अशांत समझिएगा, शांत अशांत। शांत का मतलब होता है, हम जो समझते हैं शांत का मतलब आपको समझाते हैं, किताब में क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए। शांत का मतलब व्यक्ति मर जाता है या कोई भी चीज जब तक मरता नहीं है तब तक शांत नहीं है, जब तक कटता नहीं है। देखिए, मान लीजिए काट दिया, ठीक है, काट दिया तो मर जाएगा, तो मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। आ कम, जैसे मान लीजिए कि आधा काटा तो छटपटाएगा, लेकिन यदि पूरा का पूरा काट दिया तो शांत हो जाएगा ना। आ यदि पूरा का पूरा नहीं काटा, जैसे मान लीजिए कि उंगली कट गया तो आप पूरा तड़पेगा, एकदम छटपटाएगा ना, तो उंगली कट गया तो तड़पेगा, लेकिन यदि पूरा का पूरा कट गया ही, हाँ कट गया तो बस क्या होगा, गया, मर गया। तो वही बात है, शांत तब होगा जब वो मर जाएगा। शांत तब होगा जब वो मर जाएगा। मरेगा कब, जब उसको काट देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, जब उसको पूरा का पूरा आप काट दीजिएगा तो मर जाएगा, बस शांत हो जाएगा ना। आ जब तक नहीं कटा है तब तक अशांत रहेगा। हो गया शांत अशांत, पहचान लीजिएगा शांत अशांत। ठीक है, तो यह शांत अशांत का डिफिनेशन था जो हम अपने तरफ से आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। बस आपको समझना है शांत, जिसका पूरा पूरा भाग लग गया शांत, और जिसका पूरा पूरा भाग नहीं होगा वो क्या होगा, अशांत। ठीक है, तो ये तो डिफिनेशन है, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे, ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं अभी। बस आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, और लास्ट में जो आपको क्वेश्चन देंगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, शांत कैसे पहचानना है, भाग तो नहीं देना है आपको, क्योंकि हम आपको बोले हैं कि बिना भाग दिए हुए आपको सिर्फ देखकर पहचानना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना है क्या, समझिएगा, बटा वाला को देखना है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या आपको दे दिया जाए, कोई भी संख्या, यहां लिखा हुआ है मान लीजिए 17/8, क्या लिखा हुआ है, 17/8, तो आपको देखना है बटा में, कहां देखना है दोस्तों, बटा में। अब सुनिएगा, बटा में यदि सिर्फ दो हो, ठीक है, बटा में यानी हर में, हर में यदि सिर्फ दो हो, सिर्फ दो हो या सिर्फ पांच हो, सिर्फ पांच हो या दो और पांच दोनों हो, दो और पांच दोनों हो, समझने का प्रयास कीजिएगा क्या क्या होना चाहिए बटा में। यानी बटा में सिर्फ दो हो, बटा में सिर्फ पांच हो या बटा में दो और पांच दोनों हो, तो वह भिन्न आपका क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। फिर से समझिए, बटा में यदि खाली दो रहेगा, बटा में खाली पांच रहेगा, बटा में दो और पांच दोनों रहेगा तो शांत होगा। यदि इसके अलावा और कुछ भी आपको बटा में दिख जाए तो वह क्या होगा, आपका अशांत होगा। वह क्या होगा, अशांत होगा। फिर से एक बार बस अभी समझ लेना है आपको, और एक एक क्वेश्चन आप बनाइएगा, यह पूरी गारंटी है। ठीक है, देखिए क्या करना है, बटा में खाली दो रहेगा तो शांत होगा, बटा में खाली पांच रहेगा तइयो शांत होगा, अब बटा में दो और पांच दोनों रहेगा तइयो शांत होगा,
आ इसको छोड़कर यदि कुछ अलग दूसरा संख्या बटा में आ जाएगा तो क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि बट्टा में दो खाली रहेगा, बट्टा में दो खाली पांच रहेगा, बट्टा में दो और पांच रहेगा, वो कैसे होगा। तो समझिएगा, जो बट्टा वाला संख्या आपको दिख रहा होगा, ये बट्टा वाला संख्या, इसका आपको गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, गुणनखंड। जैसे देखिए, आठ का गुणनखंड, आठ का गुणनखंड देखिए, दो से लग गया चार, दो से लग गया दो, तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, सत्रह बटा में दो गुना दो गुना दो, बटा में खाली दो, ये है ना, देखिए ना। हाँ, एक बात और, यदि ऊपर वाला से कुछ कटने वाला होगा तो काट लीजिएगा, ये सब बात आपको याद रखना है। दो बातें आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, क्या कि बटा वाला का गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद यदि कुछ कटने वाला होगा तो पहले काटिएगा, कटने वाला होगा तो पहले काटेंगे, बाद में निर्धारण करेंगे कि शांत है कि अशांत है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहां सत्रह है ऊपर में, यहां बट्टा में दो है, तो दूसरे तो सत्रह कुछ कटने वाला है नहीं, तो अब बताइए कि बट्टा में क्या है, खाली दो है ना, बट्टा में सिर्फ दो है, इसलिए यह क्या होगा आपका, शांत होगा। क्या होगा, शांत। बट्टा में सिर्फ दो है इसलिए क्या होगा, शांत। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा, यहां लिखे पंद्रह बट्टा में पच्चीस, ठीक है, पंद्रह बट्टा में पच्चीस, पहले आप हर का गुणनखंड कर लीजिए, तो पच्चीस को क्या लिख सकते हैं, पंद्रह तो ऊपर ठीक है, पच्चीस को क्या लिख सकते हैं, पांच गुने पांच, कटने वाला है ना, कटने वाला है, तो एक बार काट लीजिए, क्या दिक्कत है, काट लेते हैं, पांच तिया पंद्रह कितना हो गया, तीन बट्टा में पांच। ऊपर क्या है आपको उससे मतलब नहीं है, ऊपर क्या है उससे मतलब नहीं है, नीचा क्या है उससे मतलब है, तो नीचा में क्या है, पांच, नीचा में क्या है, पांच। आपको क्या बोले हैं, सिर्फ दो रहेगा तैयो शांत, सिर्फ पांच रहेगा तैयो शांत, दो और पांच दोनों रहेगा तैयो शांत, इसके अलावा कुछ रहेगा तब जाके अशांत होगा। तो अभी यहां बट्टा में पांच है इसलिए क्या होगा, शांत। ये भी आपका क्या है, शांत है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लिखे तेईस बट्टा में एक सौ पच्चीस, ठीक है, तेईस बट्टा में एक सौ पच्चीस। अब समझिएगा, यहां पर 23 को ज्यों का त्यों 125 का यदि आप गुणनखंड करेंगे तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, पांच से लगेगा ना, 25 फिर पांच से लगेगा पांच, यानी हो जाएगा आपका पांच गुने पांच गुने पांच। देखिए बट्टा में क्या है, तीन को खाली पांचे पांच है और कुछो नहीं है, तो क्या होगा, यह बट्टा में खाली पांच है तो शांत होगा ना, शांत होगा, यह भी आपका क्या होगा, शांत। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते जाइएगा आप। मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 143 बटा में 200, 143 बटा में कितना है, 200। देखिए आपको कैसे पहचानना है, तो सबसे पहले 200 का अभाज्य गुणनखंड, 200 का गुणनखंड कीजिए, 2 से कितना हो जाएगा आपका 100, 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 50, 2 से कितना हो जाएगा 25 और 5 से कितना हो जाएगा 5, यानी बटा में क्या क्या आया, देखिए 143 बटा में क्या आया, देखिए 2 कै गो है, 1 2 3 गो, यानी 2 के पावर 3 गुने 5 कै गो है, 1 का 1 2 गो, 5 है आपका 2 गो। अब बताइए 2 है खाली 3 गो और 5 है कै गो, 2 गो, माने बट्टा में क्या है, खाली 2 और 5 है ना, उसके अलावा कुछ नहीं ना आपको दिख रहा है, तो क्या होगा, यह शांत होगा ना। हाँ, यह भी आपका क्या होगा, शांत। यह भी आपका हो गया शांत। और कुछ देखिए, मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है 141 और बट्टा में जो आपका है, ये बट्टा में आपका हो गया मान लीजिए 75, ठीक है, बट्टा में कितना लिखा हुआ है 75, तो आपको ऊपर वाला से मतलब नहीं है, मतलब है नीचे वाला से, यानी नीचे वाला से आपको मतलब है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 75 कितना हो जाएगा, पहले 3 से लगेगा 25, सॉरी हाँ ठीक है, 3 से लगेगा तो 25 और फिर यहां 5 से हो गया कितना 5, तो इसको आप लिख सकते हैं 141 बट्टा में 3 गुने 5 के पावर 2, यानी बट्टा में 5 को 2 है ना, तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं आप। देखिए कटने वाला है क्या, 3 से 4 एक 5 एक 6, 3 से कट जाएगा शायद, देखिए तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 2 सातिया 21 यानी 43, सॉरी सातिया 21 7 सातिया 21 और फिर हो जाएगा आपका 4 तिया 12 2 14 यानी 47 हो गया आपका, 47 बट्टा में 5 के पावर 2। अब देखिए
ऊपर में तो 47 है, नीचे है 5 के पावर 2, यानी बट्टा में कैगो 5 है, तो 2 को 5 है, खाली 5 है ना, और कुछ नहीं ना है, इसलिए यह भी क्या होगा आपका शांत होगा। ठीक है, तो अब हम लोग शांत को तो देख चुके हैं, कुछ अशांत वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, यदि आप देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि यहां पर आप नहीं संभलते थोड़ा सा तो इसको अशांत लिख लेते, कैसे लिख लेते देखिए, जब 75 का गुणनखंड किए हम तो आया कितना 3×5 के स्क्वायर, यानी 5 तो 2 गो आया, उसके साथ एक 3 भी आ गया, तो आप यदि नहीं काटते इसको, ठीक है, तो क्या लिख देते कि 5 के अलावा यहां 3 भी है, इसलिए यह क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, जब बटा में 5 और 2 के अलावा कोई संख्या आ गया हो तो एक बार आप रुक के चेक कर लीजिएगा कि कहीं वो संख्या कटने वाला तो नहीं है। ठीक है, यदि कटने वाला होगा तो पहले काटिएगा, बाद में निर्धारण कीजिएगा कि शांत है कि अशांत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ अशांत वाला देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए 5 क्वेश्चन अभी हम यहां लिखे हैं। पहला क्वेश्चन आपका 7/343। अब ऊपर में 7 लिखा हुआ है, नीचे में 343 है, आपको अभी 7 से कोई मतलब नहीं, 343। तो यहां देखिए 343 का यदि आप गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, देखिएगा ये आपका हो जाएगा 7×49, फिर 7 से 7 ना, इसके बाद देखिए यानी बटा में आपका आ गया, ऊपर में तो 7 है नीचे में आ गया 7×7×7, एगो 7 से एगो 7 कट गया, फिर भी कितना हो गया 1/7 का स्क्वायर, यानी बट्टा में केवल कितना है 7 है, कैगो 2 गो, 1 गो आ जाएगा तो गलती हो जाएगा ना, बट्टा में सिर्फ 2 रहेगा तो शांत, बट्टा में सिर्फ 5 रहेगा तो शांत, बट्टा में 2 और 5 दोनों रहेगा तो शांत, लेकिन उसके अलावा दूसरा कुछ आ जाएगा तो क्या होगा अशांत। जैसे 2×5 है लेकिन उसके अलावा यदि दूसरा कुछ आ गया तो क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 रहना चाहिए, सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों, यही 3 कंडीशन, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ बटा में रह गया तो आपका अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बटा में 7 2×7 है ना, इसलिए आपका अशांत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका है देखिए 121, 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 आएगा, यानी 1/11, यह भी आपका क्या होगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां देखिएगा कितना है 12/180, पहले समझिए 180 आप काट सकते हैं 6 के 12 से, 6×2 = 12 और 6×3 = 18 = 30, ये कट गया आपका 15 बार, 1/15, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 15 को लिख सकते हैं 3×5 ना, लिख सकते हैं 3×5, अब यहां 5 तो है लेकिन उसके साथ क्या लगा हुआ है 3 ना, नहीं होना चाहिए, केवल 5 रहना चाहिए, केवल 2 रहना चाहिए या 2 और 5 दोनों रहना चाहिए, उसके अलावा यदि कुछ आ गया तो क्या होगा वह आपका अशांत हो जाएगा। तो यहां पर इसके बट्टा में 3 भी आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए 91/13/91, 1/7 क्या होगा अशांत, क्योंकि बट्टा में 7 है। इसके बाद देखिए 13/81, 13 तो ऊपर में ठीक है, 81 को यदि आप गुणनखंड कीजिएगा 81 का तो कितना होगा 3×3 = 9, 3×3 = 27, 3×3 = 81, यही ना होगा, बट्टा में खाली 3×3 है ना, यह भी आपका क्या होगा अशांत, ये भी आपका क्या होगा अशांत। अगला देखिए यहाँ लिखा हुआ है 17/30, 17 तो ऊपर में ठीक है, 30 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2×6 = 30 ना, यहाँ देखिए 2×6 = 30, अब देखिए बट्टा में 2 और 5 तो है लेकिन उसके साथ एक 3 आ गया जो नहीं हटने वाला है, अब तो यह आपका क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक ना, यानी बट्टा में खाली 2 रहेगा तो शांत, बट्टा में खाली 5 रहेगा तैयो शांत, बट्टा में 2 और 5 दोनों रहेगा तैयो शांत, लेकिन इसके अलावा यदि बट्टा में कोई भी संख्या बच जाए तो वह आपका क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, अब आप क्वेश्चन को आसानी से गर्दा उड़ा सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन यहां लिखते हैं, अब बारी बारी से सारे क्वेश्चन को बनाकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे आप लोग, और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कुल मिलाकर 22 क्वेश्चन अभी हम यहां दिए हैं आपको, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा 22 क्वेश्चन है, और इन 22 क्वेश्चन का आंसर आप बनाइए। ठीक है, और बारी बारी से इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे 1 से 22 तक है तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए 1, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए 1, और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ 17/8 है, शांत है, तो उसके सामने आप या तो इंग्लिश में लिखते हैं तो ऐसे इंग्लिश में लिख दीजिए शांत, समझ जाएंगे हम,
या फिर मान लीजिए यदि हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में आपका जो लिखा रहा है ये शांत ये लिख दीजिए और इसको हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो आपके आंसर का इंतजार रहेगा हमें और वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए इसी तरीके से, बहुत ही मजा आएगा, पूरी की पूरी तैयारी हम करेंगे। और मेरा जो नारा है, अब की बार 50 में 50 हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, ठीक है। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और 50 में 50 ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते हैं तो फिर ये बेकार हो जाएगा, ठीक है। बस इस मुहिम को आप आगे बढ़ते हुए हम देखना चाहते हैं और आप लोग के साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।